हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो गाइस, आज हम आपके सामने लेके आए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से एक और नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग डेट है, ये आपको पता ही है, जेएलओ का फॉर्म निकला हुआ है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है जेएलओ का फॉर्म, ठीक है। 2023 का फॉर्म है, दिनांक 5/7/2023 को इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। ये विज्ञापन आया था, इसमें पोस्ट देख लीजिए, ये पोस्ट दी हुई है। टोटल नॉन टीएसपी 134 हैं और टीएसपी 06। बाकी आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेना डिटेल इसका, ठीक है। देखो ये लेवल 10 का है, ग्रेड पे इसका 3600 है फिक्स, और इसकी आयु सीमा मांगी है 21 से लेके 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है। कब? 1/1/24। ओके गाइस, रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, सेम वही 5 इयर्स का है मेल के लिए, 10 इयर्स का है SC ST और अति पिछड़ा वर्ग के जो कमज़ोर पुरुष हैं उनके लिए 5 साल का है। बाकी सेम वही महिला के लिए SC ST और कमज़ोर वर्ग की महिला है 10 इयर्स का है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 5 इयर्स का है। विडो और डिवोर्स वीमेन के लिए कोई मतलब कोई वो लिमिट ही नहीं है, वो कभी तक भी दे सकती एग्ज़ाम। ओके गाइस, और गाइस ये जो आपको फॉर्म फिल करना है, ये इसकी जो डेट है आवेदन की अवधि जो है 10 जुलाई 2023 से लेकर 9 अगस्त 2023 तक 12 बजे तक आप कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्म ज़रूर फिल कर देना जो भी एलिजिबल हैं। ओके गाइस, बाकी देखो इसमें अलग अलग हैं सबके, देखो 600 रुपये ले रखे हैं जनरल वालों से, बाकी अलग अलग सबके सबके हैं। ये 400 भी हैं दूसरे के, आर्थिक रूप से कमज़ोर शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी। और ये देखो ये जूनियर लीगल ऑफिसर का सिलेबस, सब्जेक्ट आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स थ्रू रिट्स, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल। सेकेंड पेपर होगा सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसेस कोड, प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरल इन गवर्नमेंट ऑफिस विल बी गिवन इम्पोर्टेंस। 50 मार्क्स का ये था और 50 मार्क्स का ये है। ये अगला वाला भी देखो 50 मार्क्स का, थर्ड पेपर एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन एक्ट और ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग को, ये भी 50 मार्क्स का पेपर है आपका। इसके बाद आपका लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगा, जिसमें 20-25 मार्क्स में ये डिवीज़न किया हुआ है, ठीक है। ईच पेपर शैल बी 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन, पास मार्क्स 40% इन ईच पेपर, ठीक है। बाकी आप डिटेल चेक कर लेना, सेकेंडरी लेवल का आएगा इसमें लैंग्वेज पेपर जो है। ओके गाइस, बाय।